फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट, मैं हूं सौम्य कपूर एंड वी आर अ स्लीप अवे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल 2024 एडिशन व्हेन Rituraj Gaikwad led CSK will be taking on RCB at home. Why I say Rituraj Gaikwad led? Because MS Dhoni has passed on the bat in the captaincy duties to Gaikwad and CSK ke paas CSK ke ab naye captain hai Rituraj Gaikwad. Well, to talk more about this, tomorrow's clash, RCB's 11 and much more, I have with me Taos Ismi and will be shortly joined by Keshne Basra. Welcome to Cricket Next, Taos bhai. The surprise man has surprised us again. MS Dhoni has passed on the baton to Rituraj Gaikwad and he'll be leading the side in this first match of the IPL 2024. What are your views about this? Typical MS Dhoni. Last moment के लिए अपने पत्ते तक नहीं खोलते हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। वैसे हमको मालूम है exactly field पे क्या होने वाला है, कौन बॉस रहने वाला है, सबको पता ही यार, कोई नई बात नहीं है। बट यार मतलब टिपिकल एमएस धोनी, क्योंकि आपको फ्यूचर भी देखना है, आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आई मीन आई वुड हैव प्रेफर्ड धोनी गोइंग इन स्टाइल यार, एज अ कैप्टन यार। देखा है कप्तान अपना 2007 में जब कप्तानी लिए थे तो एक टाइटल के साथ गए थे यार, तो उनको इतना भी भरोसा नहीं कि उनका जो अगर कप्तानी के साथ साइन ऑफ होगा तो टाइटल आएगा कि नहीं, शायद वो डाउट्स क्रिएट करें, क्योंकि पिछले साल तो आ गया कप्तानी में उनके एक टाइटल, और वो भी मतलब बहुत सारे इश्यूज थे, नी इंजरी, ये वो 10 फैक्टर्स थे, उसके साथ भी टाइटल जीते, तो उनको शायद यही फेरी टेल एंड चाहिए था कि एज अ कैप्टन ही वांटेड टू द कैप्टेंसी विद अ टाइटल। तो शायद उन्होंने लास्ट ईयर ही मन में बना लिया होगा यार, लास्ट मोमेंट पे बताऊंगा मगर कप्तानी नहीं करूंगा अगले साल, और फ्यूचर ग्रूम भी करना है यंगस्टर्स को। देखिए अगर कप्तान ये सीजन कप्तानी कर भी लेते रूम तो मतलब कर ही लेते ना नेक्स्ट सीजन से, तो वो नॉन प्लेइंग कैप्टन ही होते या तो बट नेक्स्ट सीजन बट देन ग्रूमिंग भी करना है ना भाई, वो फ्यूचर का भी सोच रहे हैं। द ओनली टीम अलोंग विद मुंबई इंडियंस दैट थिंक्स अबाउट फ्यूचर एंड आरसीबी, और मैं आरसीबी भी नहीं, चेन्नई एंड मुंबई थिंक्स अबाउट फ्यूचर। मैं साहिल मल्होत्रा से पिछले लाइव में बात कर रहा था, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों एक तरीके से सोचते हैं, दोनों सरप्राइजेस देते हैं लेकिन टोटली डिफरेंट एंगल्स पे, आरसीबी उसमें नहीं है। बट कमिंग बैक टू यू नो टू दिस डिसीजन, यू नो टिपिकल एज यू सेड टिपिकल एमएस वे, बट एट द सेम टाइम यू नो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ पे एक प्रेशर भी होगा और एक लीवरेज भी होगा कि कुछ गड़बड़ होता तो एमएस है, और यू नो कैप्टेंसी को ग्रिल करने के लिए, कैप्टेंसी सीखने के लिए भी एमएस धोनी वहां पे हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? एंड आल्सो वेलकम श्रीनी लेगेसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, जस्ट इमेजिन महेंद्र सिंह धोनी सक्सेसफुल टीम इंडिया कैप्टन, सक्सेसफुल CSK कैप्टन, द बिगेस्ट ब्रांड, then you are given a captaincy, then you are given the leadership role. I mean, although uska say itna nahi rahega, I mean, uski team to chuni gayi thi IPL mein Dhoni ke hisab se, but then now he has to fill that gap, put in those huge shoes, put in big, it's huge. How Rituraj going to adjust or, you know, perform? I see, pressure rakke fayda nahi, expectations too much dalna nahi hai. Ab Rituraj ko Rituraj rehne do, kaptani karne do, enjoy jaise karna, aur obviously he won't just go out there and take his own decision, he would seek some kind of advice from Dhoni, he will be there as a big brother mentor, which is going to be like next 10-20 years he's going to mentor the side. But filhal to Rituraj should enjoy, I mean don't take pressure and all, otherwise it's going to be difficult. Yeah, but Srini yahan pe ek cheez Taos bhai ne mention kari ki wo jo auction mein jo team bani wo shayad MS ke hisab se bani, now Gaikwad has it, to kya aapko lagta hai ki MS it all of a sudden Gaikwad ko bhi wo responsibility ekdam se de di hogi, ya wo tab baat ho gayi hogi because you will be leading the side, so you can also have a say on it, theek hai? Officially abhi bataya, baat pehle ho gayi hogi. Of course, I mean logo ko shayad digest karne mein isliye mushkil ho raha hai kyunki
आप जब तक 30-32 के नहीं होते हो तब तक तो सीएस आपको एक्नॉलेज भी नहीं सीएसके आपको एक्नॉलेज भी नहीं करता है ना। तो आप तो इतने यंग लड़के को अपने जिम्मेदारी थमा दी तो लोगों से हजम नहीं हो रही है ये बात। बट एनीवे जोक्स असाइड, सी एक बात मैं आपको बताता हूँ 2007 में, ओके 2007 एक बहुत ही टमल्टस ईयर था इंडियन क्रिकेट के लिए। हम 2007 की क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहली राउंड में बाहर हो गए, बट उसी साल हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता, उसी साल इंग्लैंड में हमने 30-35 साल बाद एक टेस्ट सीरीज भी जीता, राइट। और ये सारे सारे टूर्स में एमएस धोनी थे, ठीक है। एमएस धोनी ने भी उस 2007 के वर्ल्ड कप का जो एक लॉस था उनका भागीदारी उसमें भी थी। तो मुझे याद है लोग उनको कितना क्रिटिसाइज करते थे, यार ये यंग लड़का है क्या कर लेगा, ये तो विकेट कीपिंग भी ढंग से नहीं करता है, ये तो पीछे बैठता ही नहीं है विकेट के पीछे। और बड़े बड़े नाम, हाँ आई रिमेम्बर फारूक इंजीनियर रेजिंग दैट क्वेश्चन इंग्लैंड में कि भाई ये बैठता है क्या विकेट के पीछे, ही नीड्स टू सिट कलेक्ट कैसे करेगा बॉल, यू नो ही नीड्स टू बी इन लाइन विद द बॉल व्हेन ही इज कीपिंग टू स्पिनर्स, काफी चीजें होती थी। अब यू नो समय के साथ कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस के साथ यू नो अलग अलग यू नो माइलस्टोन्स अचीव करते चला गया वो आदमी, और कहां से फिर कहां निकल गया। तो वो क्रिटिसिज्म लोगों का काम है, कहते रहें कुछ तो लोग कहेंगे, यू नो उनका काम है कहना, तो कहने दो जिनको जो कहना है। अब सीएसके ऋतुराज को जानती है, सीएसके को पता है ये लड़का क्या है, ठीक है। एमएस धोनी को पता है ये लड़का क्या है, और ये मेरे ख्याल से जडेजा वाला जो है, मैं भी कुछ लोगों से बात भी कर रहा था, जडेजा वाला जो सीन था वो एक टेम्पररी एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि एमएस को वैसे ही बाजू हटना था, तो वो बोले कि ठीक है 2 साल देख लेते हैं, अगर जड्डू कुछ कर लेता है उसके बाद में तो ऋतु के पास जाना है, और ऋतु को उन लोग ने आइडेंटिफाई करके रखा था, ओके राइट। तो जडेजा वॉज जस्ट अ टेम्पररी थिंग। इनफैक्ट हमारे ही क्रिकेट नेक्स्ट के शो में मैंने ये कहा था, और आज ट्विटर पे किसी ने पॉइंट आउट भी किया मेरे को कि KSR had said this, और मैंने हमारे शो पे कहा था कि कप्तानी, फ्यूचर की कप्तानी जो है सीएसके की वो जाएगी ऋतुराज के पास, वो सिर्फ समय का बात है कि वो कब होगा, इस साल होगा, अगले साल होगा या 2 साल बाद होगा। और एंड इट हैज हैपेंड सूनर देन लेटर, एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट मूव ऑन पार्ट ऑफ सीएसके। आई रियली एडमायर दैट किड, ही हैज गॉट द राइट एटीट्यूड, he's got the right temperament levels, he's you know he looks like firmly looks like a guy who has a strong head on his shoulders, and you know, and meri baat aap na is baat ko aap yakeen karke chaliye, ms dhoni ka confidence win karna itni aasan baat nahi hai boss, wo har kisi ko apne inner circle mein aane nahi deta hai wo, aur agar wo kisi ko aane deta hai to us bande mein usne zarur kuch dekha hoga और तभी वो यू नो किसी को इतना बैक करता है वो, और उसने किया है प्लेयर्स को बैक, और प्लेयर्स के करियर्स, बहुत सारे प्लेयर्स के करियर्स चेंज भी हुए हैं क्योंकि एमएसजी ने बैक किया है, ठीक है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड आदमी है, बहुत ही लेवल हेडेड आदमी है, तो अगर उसने ऋतुराज को बैक करके कप्तानी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थमाया है एमएस ने, तो इसके पीछे तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका एक समझदारी, उसमें बहुत सारी चीजों का एक कॉकटेल है। And I think it's a brilliant move. हालांकि ये you know लोग कह रहे हैं अच्छा कप्तान, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे बच्चे को मैंने कहा कि अरे MS Dhoni has handed over the captaincy to ऋतुराज गायकवाड़, तो मेरे को कहता है what do you mean handed over? मैंने handed over मतलब he's asked him to take over the captaincy and he stepped aside. Oh so you mean MS Dhoni is retiring? मैंने कहा no he's not retiring, he will be the wicket keeper. हाँ तो फिर कैप्टनसी तो वही करेगा, तो मेरा 9 साल का बच्चा बोल रहा है, तो फिर बाकी लोग तो लोगों को तो पता ही है। तो इट्स अ वेरी बिग फिगर ना, इतना आसान नहीं होगा ना टू कट थ्रू शैडो, बट यंग लड़का है ऋतुराज, सीखने दो। एज ताउस जस्ट सेड वेरी करेक्टली सेड, यू प्रेशर वेशर मत डालो, प्रेशर एमएसडी को लेने दो, ऋतुराज भी प्रेशर मत डालो, उसको एंजॉय करने दो, कप्तानी उसको सीखने दो, और बैटिंग तो कर ही रहा है, चाबुक बैटिंग कर रहा है। Yeah, and also you know I met Rituraj in one of the games here in Palam. He was there for Maharashtra, and game khatam hone ke baad he was meeting the fans. You know,
लेट देम टेक पिक्चर्स, वो बहुत बहुत डिसेंट वे में बोला यार मेरा फ्लाइट है मेरे को थोड़ा जाना. सो ही हैज अ ग्लिम्स ऑफ वेरी यू नो काम एंड कंपोज गाय, जिसको जिसको समझता है कि ठीक है फैंस को भी एक इंपॉर्टेंस देना. सो वेरी वेरी गुड पिक आई वुड से फ्रॉम सीएसके. पर ताउस भाई कमिंग टू टू द टीम जिनसे अब ये खेलने वाली है आरसीबी, क्या लगता है कि जब ये पता लगा होगा कि एमएस अब लीड नहीं करेंगे ऑन पेपर, जब जरूरत पड़ेगी तो एमएस धोनी वो अपने यू नो एनिमेटेड अंदाज में फील्ड सेट करते दिखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेशर शायद रिलीज हुआ होगा आरसीबी के ऊपर से. फील्ड सेट तो करेंगे यार धोनी, मतलब उनका 360 डिग्री व्यू तो रहेगा पीछे बिहाइंड द विकेट से. तो भी सरप्राइज कि वो इधर उधर करते हुए नजर आए और ऋतुराज को बोले अरे उसको वहां से फील्ड वहां से पोजीशन चेंज कर. सो दैट इज नॉट, बट आई मीन दैट वुड बी टू ये ना किडिश टू थिंक अबाउट यार धोनी कप्तानी से चले गए और ये बंदा हम लोग को कॉन्फिडेंस मिल गया अब हम जीत सकते हैं. विराट कोहली है, फैफ डुप्लेसी है, तो बड़े बड़े प्लेयर्स अगर ऐसा सोचने लगे कि भाई कप्तानी चली गई. सी इट्स प्रोफेशनल क्रिकेट यार, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, प्रोफेशनल है. हम लोग कितना भी उसको क्रिटिसाइज करें या कितना भी जो भी आके बोले यार सीरियस नहीं है, बट दिस इज सीरियस क्रिकेट यार. लॉट ऑफ पीपल गो एंड प्ले कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट, टॉप नॉच प्लेयर्स कम एंड प्ले. They put up their best performance and then, I mean, you can't expect them to say, यार एक प्रेशर रिलीज हो गया, धोनी चले गए और ये आ गया, वो आ गया, यंगस्टर है, उसको समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता है. They will go out there, put up their best performance, which they did last time. They will put a better performance. शायद एक ये आएगा कि यार धोनी नहीं तो एक थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, मगर धोनी won't give that space ना, क्योंकि भाई एक बैक ऑफ द माइंड रहेगा ना बिहाइंड द विकेट से अभी भी बंदा. विराट कोहली एंड ऑल इट डजंट मैटर, वो खाली एक डिफरेंस ये हो जाता है कि यार विन और लॉस का डिफरेंस हो जाता है, मगर दोनों टीम 100% देते हैं, 200% देते हैं और दे हैव टू डू इट यार. प्रोफेशनल क्रिकेटर्स आर देयर नो दैट. सो आई मीन इट्स नो इट्स आई थिंक इट्स किडिश टू थिंक अबाउट दैट यार धोनी चले गए कप्तानी नहीं कर रहे तो हमारे लिए इजी हो गया. नहीं, उतना ही इफेक्टिव रहेगा, बट हाँ ये एक फैक्टर रहेगा यार 11 में कौन ज्यादा फॉर्मेटेबल साइड है, किसका बैलेंस अच्छा है, वो काउंट होता है मोर देन हु इज द कैप्टन. लेकिन आप एक बार स्टैट तो देखो 2010 7-1 क्या करता है अभी विराट थोड़ी ऐसा सोचेगा यार धोनी नहीं तो मैं परफॉर्म करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है. लेकिन डायनामिक्स तो चेंज हो जाते हैं ना सामने वाली साइड की. स्टैटिस्टिक्स पे जाने का नहीं, मैं तो नहीं जाता हूं. स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि यार क्या है, बट ऑन द डे व्हाट इज योर साइड, हाउ इज योर टीम कॉम्बिनेशन, हाउ यू पुटिंग एंड आल्सो लक मैटर्स. तो अभी ऐसा तो फिर विराट को आरसीबी हैज बीन हैविंग द बेस्ट ऑफ द टीम्स, बट आपने जीता ही नहीं एक भी आईपीएल टाइटल. या कमिंग टू द ओके जोक्स अपार्ट, कमिंग टू द सीरियस थिंग, सीरियस नोट, श्रीनी आरसीबी ऑलवेज मैनेजेस यू नो टू फंबल अप इन द ऑक्शंस, और इस बार भी शायद कहीं ना कहीं वो हुआ है, वो बैलेंस नहीं अभी भी दिख रहा है, वो मिडिल ऑर्डर के इश्यूज यू नो, वो बॉलिंग में प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं वो दिख रही है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस लाइनअप द आरसीबी टीम हैज? पहली बात तो वो जो ताऊ से तुम बात कर रहे थे आरसीबी के बारे में मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं सोचा था यार कोई नया तरीका तो ये ढूंढ ही लेंगे हारने का, यू नो तो उसकी ढूंढ है नाम बदला जर्सी बदली है उसकी चिंता नहीं है मेरे को. बट दूसरा बात यू नो आरसीबी, मैं बहुत एडमायर करता हूँ आरसीबी फ्रेंचाइज को क्रिकेट को छोड़ के. सिर्फ एक क्रिकेट को छोड़ के उन्होंने आईपीएल में सब कुछ हासिल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने छोड़ा है. देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया फैन बेस उनकी है, सबसे तगड़े स्पॉन्सर्स उनके पास है, इंडिया का सबसे, वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम उनके पास है. यू नो जो भाई साहब अभी वो हर साल वो लोग एक इवेंट करते हैं अनबॉक्सिंग कहते हैं, अनबॉक्सिंग, यस यस. इस बार अनबॉक्सिंग में वो आरसीबी का नया म्यूजिक थीम बना रहे हैं, ठीक है. मेरे ख्याल से आज का डेट क्या है, 21st हो गया शायद, एक दो दिन पहले हुआ है. हो गया, that is done, that is done, yeah, that's done. ना, तो हो गया, 19 को था ना, या 19 को था. तो इस बार उन्होंने एलन वॉकर को लेके आया
अपना थीम, म्यूजिक थीम बनाने के लिए, वो भी टॉप ऑफ द ये है. और जिस तरीके से वो लोग अपना अनबॉक्सिंग इवेंट करते हैं, हॉस्पिटैलिटी उनकी सबसे अच्छी है. यू नो इनफैक्ट मैं कहता हूँ मार्केटिंग, कोई टीम अपने आप को इतना ब्यूटीफुली मार्केट नहीं कर पाई है जितना ब्यूटीफुली वो करते हैं. अच्छा, कोई भी टीम ओनिंग कंपनी जो है, जो फ्रेंचाइज ओनिंग कंपनी है, वो इतना यू नो अपने बड़े बिजनेस, पेरेंटल बिजनेस के इतना प्रॉस्पर नहीं कर पाई है जितना आरसीबी ने करी, क्योंकि सरोगेट एडवर्टाइजिंग, अल्कोहल कंपनी है तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग कर पाती है. तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो आरसीबी ने अकम्प्लिश नहीं किया 15-16 सालों में, एक ट्रॉफी को छोड़ के. ठीक है, तो वो अब वो गुत्थी तो ऐसी है कि वो क्या करते हैं मेरे समझ में नहीं आता है. वो ऑक्शन में जब प्रिपेयर करते हैं तो मुझे तो लगता है ये ऐसे मतलब सोच के जाती होगी टीम की, ऐसा क्या करके आए कि वापस हम थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में दिखाई दे. यू नो ये प्रिपेयर करके जाते हैं कि हल, मुझे इसके अलावा कोई कारण समझता ही नहीं. आप यजुवेंद्र चहल को घर बेच देते हो और फिर हसरंगा को ले आते हो, फिर हसरंगा को भी छोड़ देते हो, देवदत्त पाडिकल जैसे आदमी को छोड़ देते हो. अरे भाई साहब, एक बुरा सीजन उसका, व्हाटएवर ऑर्डिनरी भी नहीं था वो सीजन एक्चुअली, एक ढंग का सीजन नहीं निकला तो तुमने उसको निकाल दिया. वो लड़का आया डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट रूल कर रहा है वो. अब क्या मैं बोलू यार इनके बारे में. अब अच्छा, इनके पास प्लेयर्स भी ऐसे आते हैं जो दुनिया भर में शाइन करते हैं, बट लेकिन जब आरसीबी में आते हैं तो शाइन नहीं कर पाते. पता नहीं क्या इनको डिनर में खिलाया जाता है इनको. यू नो आप देखो, ग्लेन मैक्सवेल सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप जितवा के दिया है भाई, सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप जितवा के दिया. बट आरसीबी में आते हैं तो फिर वो परफॉर्मेंस गायब हो जाती है. तो यू नो भगवान ही मालिक है, अभी मैं तो छोड़ दिया हूँ, जब जीतेंगे तब जीतेंगे. लड़कियां तक जीत चुकी है, बताओ. लड़कियों ने भी मतलब बता दिया कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, बट फिर भी 16 साल से लड़के जो है वो लाइक अच्छा सिंपल है, चलो देखते हैं. व्हाट इज योर टेक ऑन आरसीबी स्क्वाड एंड द काइंड ऑफ 11 दे कैन हैव इफ दे हैव टू बैट फर्स्ट, क्योंकि बैट फर्स्ट या बैट सेकंड उनके उनके तीन बैट्समैन की बात खत्म हो जाती है बैटिंग. सीनियर में वो खिलाए नहीं पिलाए जाते आरसीबी अगेन. यहाँ पर देखो उनको बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग दिख रही है जो नॉर्मली होती है हमेशा, चाहे आप वो क्रिस गेल या एबी डिविलियर्स के जमाने से या ग्लेन मैक्सवेल भी थे साथ में, तब से हमेशा की तरह ये टाइम भी लोग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं. बट देन आई फाइंड कैमरन ग्रीन भी आ गए, सो बट देयर इज समथिंग दैट इज लैकिंग, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट हो या फास्ट बॉलिंग. फास्ट बॉलिंग में आपको सिराज के आगे कौन दिख रहा है यहाँ पर, यश दयाल दिख रहे, लॉकी फर्गसन दिख रहे, आकाशदीप. बट देखिए आईपीएल अलग हो जाता है, टेस्ट क्रिकेट अलग हो जाता है. आकाशदीप ट्रू स्टिल डोमेस्टिक, और मोहम्मद सिराज ने तो कुछ खास ग्रेट आईपीएल इज नॉट सेट आईपीएल ऑन फायर लाइक हाउ नॉर्मली मोहम्मद शमी हैड डन फॉर गुजरात टाइटंस और मे बी जसप्रीत बुमराह. बट आई डोंट सी, आई मीन लुक एट द स्पिनर्स, आई मीन अगर इनकी बैटिंग ही जो मुझे लगता है एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रही है. कैमरन ग्रीन को अगर एड कर ले एज एन ऑलराउंडर तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट दे आर नोवेयर राइट नाउ. अगर ऐड नहीं कर सकते ना ताउस में कैमरन ग्रीन को, अगर ऐड नहीं कर सकते ना, इतना पैसा देके करना ही पड़ेगा ऐड, मिडिल ऑर्डर खेलना ही पड़ेगा या ऊपर खिलाना ही पड़ेगा. स्पिनर्स भी आपको कहां दिख रहे, कोई बड़ा नाम दिख रहा है एटलीस्ट? कर्ण शर्मा इज समवन हु इज अ प्रोमिनेंट नेम. सोचिए ना, अभी देखिए ना, उन्होंने वर्क भी नहीं किया अपने की हमका हमारा स्पिन डिपार्टमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, बिकॉज spin is something that is very very important T20 cricket, unless you discount it. Yaar humko spin hamare liye important nahi, hamare liye sirf batting important hai, fast bowling bhi important nahi, spin bhi nahi. Wohi mujhe I agree with Srini bhai ki they don't come out with a plan, aur jo bhi future bhi jo unhone rakha hai, main wahi bol raha tha na Soumya tumse ki jo Chennai aur Mumbai future planning karti hai wo na RCB karti hai ya koi other side, I don't. देनी पड़ी तो डिसमेंटल किया गया पूरी टीम को. फिर वो यू नो ऑक्शन, चलो मैं कहता हूँ
इट वॉज नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम जो मेगा ऑप्शन हुआ था, क्योंकि वो बॉलर ढंग से उठा नहीं पाए. बट देखो अगर वो उस साल बराबर नहीं भी उठा पाए, सी हाउ दे आर गोइंग अबाउट करेक्टिंग स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें जो यू नो. अब लोग बोल रहे हैं अच्छा स्पिनर तो लेकिन फिर भी नहीं है इनके पास. अरे भाई स्पिनर तब जब खरीदे थे तब तो अटैक भी नहीं था इनके पास, तब से लेके अभी तक लुक एट द वे दे आर इम्प्रूविंग. तो हर चीज का जो रिटर्न गिफ्ट होता है लाइफ में वो ओवरनाइट नहीं होता है. कई बार ऐसा होता है कि आपको पेशेंस लगा रखना पड़ता है, यू नो. उसी को तो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कहते हैं ना. हर टीम इट टेक्स 5 to 6 इयर्स फॉर यू नो अ वेल ऑइल्ड यूनिट टू फॉल इन प्लेस, एंड दैट्स व्हेन यू बिगिन टू सी द पर्क्स ऑफ इट. आरसीबी मैंने कभी मतलब मेरे को याद ही नहीं पड़ता कि ये लोगों ने ग्रास रूट टैलेंट के वहां हिसाब से सोचा होगा या एक लॉन्ग टर्म अप्रोच से सोचा होगा कि यार इस लड़के को फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उठाते हैं, इसको लेके आते हैं, इसको बनाते हैं, इसको शाइन करते हैं, जैसे सीएसके ने ऋतुराज के साथ किया. राइट, ये कहाँ देखने को मिल रहा है? मुझे तो कहीं मतलब सीएसके और मुंबई के अलावा मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रहा. देखो आप गुजरात टाइटंस को देखो, दे हैव बैक शुभमन. यू नो बॉस जो भी हो तुम हमारे स्टार हो. एंड देखो यू सी द वे साई सुदर्शन, अभिनव मनोहर, इन लोगों को किस तरीके से गुजरात ने बैक किया है. तो ये अगर जब फ्रेंचाइज अगर ये करने लगता है तो यार इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये दिख के आ जाती है ये चीजें. यू नो दे बिकम वेरी ऑब्वियस. एंड विद सी विद आरसीबी दिस इज जस्ट बीन मिसिंग लाइक नोबडीज बिजनेस. यू नो दिस इज समथिंग दैट दे हैव टू एड्रेस एट सम पॉइंट इन टाइम. बट एज आई सेड उनके क्रिकेट को छोड़ के हर चीज सक्सेसफुल है. या सर आई हैव जस्ट कम अप विद अ विद अ विद सम ऑप्शंस जो शायद 11 में आ सकते हैं. इफ यू कैन जस्ट हियर मी आउट, अ फैफ एंड ग्रीन कैन बी योर ओपनर्स. ओके, अप द ऑर्डर टू ओवरसीज, देन फॉलोड बाय विराट कोहली एट 3, मैक्सी और पाटीदार यू नो 4 and 5, देन डीके कैन बी योर कीपर एट 6. देयर इज आल्सो महिपाल लोमरोर हु वाज doing decently well for them in the last season if I'm not mistaken. Then you have the bowlers, Siraj, Lockie slash Topley, Karan Sharma, Vaishak slash Akashdeep. Probably this can be your 11, and but the problem is then you will have to make Suyesh Prabhudasai sit out if you open with a green. Taus bhai, what is your take? विराट तो ओपन करेंगे ना, मतलब नीचे क्यों कर दिया मुझे नंबर 3. आई वाज एग्जैक्टली आई वाज गोइंग टू से दैट. बिकॉज़ ग्रीन कैन प्ले अप द ऑर्डर, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग दैट क्यू. क्योंकि अगर आपको ठीक है आपको फैफ को किसी एक को तो नीचे खिलाना पड़ेगा क्योंकि ग्रीन 3 नंबर से नीचे उतना इफेक्टिव नहीं. मुंबई इंडियंस के लिए ही वाज प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर. He was playing in the middle order, but then you also have a Rajat Patidar there, no DK as well. And Lomror as well. DK finishing role, DK फिलहाल तो वैसा, he may not be like how DK was, but then he continues to play the. But you will have to have him because of the keeping skills, keeping thing. No, you will have to have him. That's the problem. Play in the middle order, finishing. वो आपको वो aspect देके चलना है क्योंकि you don't. हाँ मतलब छह नंबर. I'm taking. Cameron Green 4-5. I mean वो वैसा ही आपको या तो आपको आपका टॉप ऑर्डर इतना स्ट्रांग है ना, यू काउंटिंग यू मिसिंग ग्लेन मैक्सवेल अगेन. नो आई एम टेकिंग मैक्सी. सो मैक्सी आई पुट इन जस्ट फॉर पुटिंग इट, आई पुट हिम ऑन द नाउ नंबर 4 प्रोबब्ली. या और नंबर 5, वी कैन कम नाउ ऑन नंबर 5. बैटिंग ऑर्डर टॉप ऑर्डर इतना हेवी है, टॉप से लेकर नंबर 6 तक, सो यू डोंट नीड लाइक पूरा उसमें कुछ सवाल ही नहीं उठता. यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर. मतलब उसके बाद बॉलिंग एक वरी है जो आ जाता है, करण शर्मा कैसे यूज करे. करण शर्मा विल हैव टू प्ले. खिलाओगे कहाँ आप? क्योंकि अगर आपको पहले 3 नंबर अगर शॉर्ट हो गया देन उसके बाद वो नीचे इज नॉट दैट सक्सेसफुल.
That's a problem. इनका तो having a Suyash in this, having a Suyash, a Rajat Patidar and a Virat Kohli in this lineup is a waste of a talent. That's a problem. Ashini, you were saying something. No. I was just referring to Virat. Virat has to open. Matlab, where is the rocket science there? So I don't see. Forget वो last time क्या कर रहा था इसलिए continue करेगा या नहीं. For me the stage the where Virat is at the point of his career right now ना, he's like he has to take वो responsibility वाला aspect आ जाता है. Innings builder है वो. He's not this young fellow who can just go and mindlessly throw his bat around. Somebody has to come in and do that job. You don't want Virat to just go and play mindless cricket. You want Virat to just go there, you know, and stand there as an anchor at one end so that the others can, of course, Faf can pull off that role. But so it is between Faf and Virat. But that said, you know, I would love to see Faf and Virat open. I mean, that instills a bit of fear also in the opposition. आपका जो दो नए न्यू बॉल बॉलर जो आ रहे हैं आपके वो देखेंगे यार ये दो बड़े दिग्गज खड़े हैं तो सामने वाला भी थोड़ा सा खतरा तो वो उस हिसाब से आप देखोगे तो आई थिंक इट्स अ विन विन. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग टू से. बाकी ऑनेस्टली आई मीन द टीम दैट यू रेड आउट इंक्लूडिंग शर्मा एंड ऑल आई मीन मेक मोस्ट सेंस टू मी. आई मीन बिकॉज देयर इज नो अदर चॉइस. आपने भर के तो रख दिए इतने सारे नाम बट भाई साहब नथिंग रियली वर्क्स from a combination perspective. And it should be Himanshu and not Karan Sharma. I doubt it. I would go for Karan Sharma. But anyways. Yeah. But as I said, मेरे को फिर ना ऐसे सब टाइम पे वो ऑक्शन का पैडल ही याद आता है. कोई प्लेयर आता है वो उठाते जाते $10,000 $20,000 $30,000 अरे यार थोड़ा होमवर्क तो कर लिया करो. तो दैट वे okay that and way. Also Taus bhai talking you just yeah yes Shini I have to leave. Okay cool thank you for your time. Thanks Taus bhai. You just touched upon the topic of the bowling bit, right? Yash Dayal, he's a good bowler. Aap un panch chakkon ko agar side rakh dijiye to UP ke liye acha kar chuke hain. And he's a decent bowler, right? He's not a bowler jo panch chakki aasani se khayega. That was Rinku Singh's magic more than Yash Dayal's bowling. बट 5 करोड़ में खरीदा यार आपने उस आदमी को जो खिलाओगे. यू विल हैव टू नॉट फॉर एनीथिंग यू विल हैव टू प्ले हिम फॉर दैट यू नो वो जो आपने बैग खर्च करा है. हाउ विल यू प्ले हिम यहाँ या वैशाख के साथ आकाश और यू गोना मेक्स इट बोथ लॉकी एंड री स्टॉपली इन द डग आउट एंड आस्क यश दयाल एंड अ वैशाख और स्लैश अकाशी टू प्ले and then you know yeah, replace him. एक ही मैच था जो मुझे लगता है जिसकी वजह से exactly. Otherwise he's been a decent and on top of that what works for him is that he's a left arm bowler and he can vary pace. He's in that the Mohsin Khan mold. Mohsin Khan was definitely good bowler and highly rated. But then he's been marked by injury. Yash Dayal वही उसमें आता है category में यार. He has the potential. He has the pace. He can vary. बट देन वो गाइड करने के लिए उसको बंदा कोई है नहीं क्या फास्ट बॉलर टॉप ऑर्डर में. ये एक अगर कोई लेजेंड होता उसके साथ कोई somebody who has been there and done you know achieve something तो it would have been great. आरसीबी के तो आरसीबी तो पूरी लेजेंड टीम ही लेजेंड है जैसे पिक्स होते हैं. खाली वो एक मेंटर उसके खाली उसको सी दैट इज द बेस्ट पार्ट ना कि उनके पास लेजेंड सपोर्ट स्टाफ में है. I'm talking about this fast bowling legend. I got it. No, I was just being sarcastic. Pura team hi legend hai. नहीं वो तो है. But then वो एक big brother वाला mentorship वाला जैसा how Zahir Khan would play with the youngsters wherever he was or maybe Mohammad Shami या कोई भी एक वो होता. तो यार देखिए introspection saying Siraj, Topley, Akashdeep. I was just looking going through my 11 only. So the problem is Fav being the captain, okay, he will be there in the 11. Maxi gives you count karo, sorry, Cameron Green bhi count karo. Cameron Green wahi main bol raha hu. To Cameron Green is an all rounder, gives you 4 overs as well. Then you have this guy Maxi who gives you obviously will be there in the 11. So the problem is you could have asked an overseas player to sit. ठीक है फिर आप टॉप ले या
लॉगी फर्गसन को अंदर ला सकते थे विद यू नो प्लेइंग यश दयाल एंड वैशाख स्लैश आकाशदीप, बट द प्रॉब्लम इज इनमें से किसी को आप बैठा सकते नहीं. फैफ को आप ये नहीं बोलोगे, फैफ इज द ओनली प्योर बैटर. अगर आप तीन ऑलराउंडर और तीन ओवरसीज के साथ जाते हो और आप इम्पैक्ट प्लेयर लाना चाहते हो तो फैफ इज द ओनली बैट्समैन, ओनली प्योर बैटर, ही इज द कैप्टन. तो आप उसे बैठने को कह नहीं सकते. मैक्सवेल और कैमरन इनको आप बैठाओगे कैसे, बिकॉज दे आर द ऑलराउंडर्स, दे गिव यू द बॉलिंग ऑप्शन. सो वहां पे भी आरसीबी फंसेगा. बट अगर इफ सम मैजिक हैपेंस एंड दे आस्क कैमरन ग्रीन टू सिट एंड गेट फर्गसन इन, दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर एंड दैट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एटलीस्ट. और अ टॉप वो तो है, रजत पति महिपाल के साथ आपको करण शर्मा के साथ खेलना पड़ेगा या आपको मयंक डागर लेफ्ट हैंड स्पिनर. तो दैट इज समथिंग वेयर आई एम वरीड अबाउट व्हेन इट कम्स टू आरसीबी. अदरवाइज इट्स अ मिरेकल कर सकते हैं इसमें भी बॉलिंग के साथ बिकॉज ही इज गॉट कंट्रोल बट देन ही इज अ बिट एक्सपेंसिव. तो उनका जो वरी है वो है स्पिन डिपार्टमेंट. अब वो कैसे वो हैंडल करते हैं महिपाल लोमरोर या आपका करण शर्मा हैज टू रेगुलरली फीचर और दैट इज द बेस्ट पार्ट कि उनको हमेशा रिटेन किया जाता है. करण शर्मा का एक स्लाइड एडवांटेज है कि यार आरसीबी के लाइकिंग्स में रहते हर साल आ जाते कहीं ना उनको रिलीज ही नहीं करते. व्हिच इज समथिंग लाइक या तो उनका मतलब डिस्पाइट हैविंग यू नो अ गुड आई वुड से अ गुड सपोर्ट स्टाफ टैलेंट स्काउट उनके पास होगा लेजेंड्स जा चुके बट अभी तक उन्होंने एक प्रॉपर फॉर्मेडेबल साइड यू नो बना नहीं पाए विच इज सरप्राइजिंग यार. आई मीन विराट कोहली के होने के बावजूद विराट कोहली भी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पे रहते हैं उनको तो समय नहीं मिलता है. धोनी स्टिल हैज टाइम बट आप ओवरऑल देखोगे तो कौन सी साइड आपको ऐसी सेटल लगी है. मुंबई इंडियंस भी सेटल नहीं लगी है मुझे कि एक सॉलिड कॉम्बिनेशन. उनके पास भी वरीज है, चेन्नई के पास भी वरीज है, आपके बाद इंजरीज के साथ भी जूझ रहे हैं. केकेआर भी के पास भी वरीज है. केकेआर मुझे लगा है केकेआर थोड़ा बहुत मुझे लगा है तगड़ा दिखा है. केकेआर मुझे थोड़ा सा लगा है दे हैव शॉट दे आर शॉट. उनके पास थोड़ा उनके पास अल्टरनेट्स बहुत है हर चीज के. पांच मिले मिचेल स्टार्क आ गए उनके पास तो दे आर लुकिंग शॉट. अच्छा मेंटरिंग भी बढ़ गया गौतम गंभीर की थ्रू. या दैट इज समथिंग लाइक आई एम वरीड अबाउट आरसीबीज स्पिन डिपार्टमेंट. रेस्ट आई एम फाइन बिकॉज आपको नीचे तक बैटिंग ऑर्डर नहीं मिलेगा ना. देखिए ऊपर से देखिए फैफ डुप्लीसी ग्लेन मैक्सवेल विराट कोहली रजत पतिदर अनुज रावत है या दिनेश कार्तिक आ गए. दिनेश कार्तिक तो करेंगे कीपिंग कैमरन ग्रीन है तो यो T20 क्रिकेट के लिए टॉप ऑर्डर इज सॉर्टेड मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड. या या बात शुरू होता आपका ये खान शर्मा कैन आल्सो प्ले दैट ऑलराउंडर रोल व्हिच इज अ आई मीन व्हिच इज सच अ ब्यूटीफुल ये वो मारते भी अच्छा छूटते. चलिए इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि आरसीबी क्या 11 के साथ आती है. वेल ताऊज भाई दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं बट दोबारा जुड़ेंगे आपसे. इंडियन क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, आईपीएल के बारे में बात करेंगे और कल शुरू होने जा रहा है इंडिया का फेस्टिवल. बहुत मजा आने वाला है. इट्स गोइंग टू बी आरसीबी वर्सेस सीएसके एट चेपॉक. जो भी व्यूअर्स हमारे टू चिप इन उसके बारे में भी बात करेंगे. वेल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी दिस सेशन. गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म. क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.